बैंक वहाँ भी आपके कैमरे लगेंगे SBI में। ये i20 यार, मुझे नहीं मालूम i20 किसकी है, ये है कौन है, ये पीछे हम बैक कर रहे थे, ये पीछे सटा दिए हॉर्न। उस गाड़ी में भी दारू का सामग्री मिली, दो लड़के और थे जो साथ में भाग गए। मैंने कहा चलो भाई हो सकता का कोई नशे में हो, हमने अपनी गाड़ी भट्ट साहब का मकान है कोचिंग मंडी में उधर की तरफ दबाई, निकल जाओ। अब निकलने की जगह दे दी, जब मेरी बैक करने की बारी आई, अब आपको जगह दे दी भैया आप निकालोगे ना अपनी गाड़ी, मेरी बैक करने की बारी आई तो ये मेरी गाड़ी के पीछे लगाए रहे। गुस्सा तो आई भैया, लेकिन फिर भी हमने इग्नोर किया, इन्होंने बढ़ा ली। पहले तो हमें लगा i10 है भैया, सफारी टक्कर घुमा देंगे 2 मिनट में, लेकिन मैंने चलो ठीक है। एक लड़का और तो बोला भैया क्या बात है ये, हम फिर वहीं से सब्जी मंडी चौराहे पे गए, हमने फ़ोन किया और भैया कसम से मैंने यही कहा, मैंने बेटा क्या बात है, ये बोले कहाँ हो, हमने सब्जी मंडी चौराहे पे, बोले वहीं आ रहे हैं। आए मैं खड़ा हुआ बाहर सफारी के, मैंने बेटा क्या बात है, लड़ना चाहते हो या मतलब मारना चाहते हो तो हम घर चले जाएं। ये फिर बोले कि क्या घर चले चलें, तो हमने कहा भैया वहीं कुर्सी ली, हमने बैठ गए, हमने भैया बुला ली जिसको बुलाना, फिर और ये बस बैठने जा रहे थे, हमने बेटा खड़े होके बात करो, इन्होंने बस कुर्ता पकड़ा वो सड़क मार चो हमको खड़ा करने के लिए। वहाँ पे वो भी कैमरे की रिकॉर्डिंग होगी झूठ में। फिर गोली आपने कब मारी, गोली आपने कब मारी? बस जब इन्होंने कुर्ता पकड़ के वो सड़ी के मादर चोद, और मैंने गाली नहीं दी इनको। हाँ। मैंने नहीं दी। तो आपने कितनी गोली मारी थी भैया? एक ही तो पहले मारी हमने सीधी सर पे, अब दूसरी तो मालूम नहीं। अफसोस है तुम्हें गोली मारने का? बिल्कुल नहीं भाई, बिल्कुल नहीं है ना, क्योंकि मैं मान सम्मान के लिए जीता हूँ, समझ रहे हो ना भाई। बस ठीक है भाई, ठीक।